नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट एंड नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। आज लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है और ऐसे में आज 13 राज्यों की 78 सीटों पर मतदान होना है और इन सीटों पर जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, आज हम उन पर बातचीत करने वाले हैं कि इन हाई प्रोफाइल सीटों पर कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन पर सबकी निगाह है। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो मतदान होने हैं वो कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटों पर होने हैं। अब ये देखिए कि केरल केरल में 20 सीटों पर मतदान होने हैं और ये 20 सीटें आज यानी दूसरे चरण के मतदान में केरल की 20 सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। वहीं कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 14 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 13 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और असम और बिहार की 3-3 और इसके साथ ही जम्मू और त्रिपुरा की इसमें 1-1 सीट शामिल है जहाँ पर मतदान होने हैं और सुबह 7 बजे से ही आज यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के बैतूल सीट पर जो भाजपा के प्रत्याशी था उनका जो निधन हो गया था, उनकी भी आपने देखा होगा किस तरीके से उनका जो मामला था ये सामने आया है। अब ये 78 सीटों पर जो टोटल प्रत्याशी जो हैं वो 1202 प्रत्याशी हैं जो आज ही चुनावी मैदान में अपना चुनावी बुगुल बजा रहे हैं और जनता इन 1202 प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशियों को चुनती है ये जनता ही डिसाइड करेगी। और आज 8 सीटों पर, यूपी के 8 सीटों पर भी वोटिंग है, उनमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा जो कि एक सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन चुकी है मथुरा, क्योंकि वहां पर राम जी यानी अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरे रन में जो 15 करोड़ जो वोटर्स है वो अपना मतदान करने वाले हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आज का जो चुनाव होने वाला है उनमें जो दिग्गज नेता है वो कौन है जो चुनावी मैदान में अपना बुगुल बजा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ केरल की तिरुवनंतपुरम से बीजेपी की राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस के शशि थरूर अपने किस्मत की दाव आजमा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पप्पू यादव, जो कि पप्पू यादव एक देखिए बहुत ही बड़ा चेहरा बन चुके हैं और आज जिस तरीके से पप्पू यादव ने मेहनत की है पूरे साल की, आज उनका परिणाम है। हालांकि पप्पू यादव के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आप फिलहाल यही समझिए कि अभी जो उन्हें समर्थन मिला है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मिला है और उसके साथ ही सोनू सूद खुद, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी कि सोनू सूद खुद उनके समर्थन में उतरे हैं और ये दोनों ही नेता जो है वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जो आम लोगों की मदद की है, चाहे वो कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिलना तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। वहीं मथुरा सीट पर मौजूदा सांसद हेमा मालिनी चुनावी मैदान पर है और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मथुरा सीट पर हेमा मालिनी जो चुनावी दाव लगाई, आपने देखा होगा जिस तरीके से उनका मंदिरों में जाना और फसलें काटना, बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे वीडियो उनके वायरल होते रहते हैं। तो हालांकि आज उनकी अग्नि परीक्षा होगी कि जो वो कोशिश कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, आज क्या जनता उन्हें पसंद करती भी है या नहीं। वही मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है, जो आपके प्रिय राम जिसे आप कहते हैं, रामायण सीरियल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोग उन्हें कि अपने प्रभु श्री राम ही मान बैठे थे और ऐसे में अरुण गोविल चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में वो चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं और अरुण गोविल को वोट देना, वहाँ यहाँ की मेरठ की जनता उन्हें पसंद करती भी है या नहीं करती है, ये इसका जो जो खुलासा है आज हो जाएगा। आज मेरठ की जनता उन्हें बता देगी कि हम उन्हें कितना पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो कोटा सीट एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय सीट बन चुका है क्योंकि इनमें से ओम बिरला ने अपने ताल ठोक दी है और आज का चुनावी बिगुल के अंदर आप ये देखिए कि अगर वहाँ के जो भी वहाँ के जो जनता है वो अगर उन्हें पसंद करती है तो वो उन्हें वोट करेगी, अगर वोट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है वो हारेगी ही हारेगी। उसके अलावा भूपेश बघेल, नवनीत राणा, इसके बाद तेज प्रताप सूर्या की किस्मत का भी आज फैसला होगा। आपने देखा होगा कि भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता आज चुनावी मैदान में दूसरे चरण के मतदान के दौरान और दूसरे हैं नवनीत राणा जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, उनके बहुत सारे वीडियोस और इससे पहले वो एक्ट्रेस रह चुकी है और इससे हालांकि इसके बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वायरल होती रहती है और आए दिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के।
तो नवनीत राणा भी आज चुनावी मैदान में है और तेजस्वी सूर्या जैसे जो बड़े दिग्गज नेता है वो भी चुनावी मैदान में है। दोस्तों अगर हम बात करें कि दूसरे चरण के मतदान में अगर आप ये सोचिए कि पिछली बार इन्हें कितने वोट मिले थे, कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला था पिछली बार, तो उसका समीकरण भी हम आपको पूरी तरीके से समझा देते हैं। देखिए 2019 के अगर नतीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 59 सीट मिली थी, वह इंडिया अलायंस में से 78 में से उन्हें मात्र केवल 23 सीटें ही प्राप्त हुई थी और अन्य के खाते में अगर बात करें तो वो अन्य को केवल 6 सीटें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर पिछली बार की अगर सीटों की बात की हमने तो यहाँ पर आपने देखा होगा जिस तरीके से जो एनडीए है उनको ज्यादा वोट प्राप्त है, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है जो कि अभी की जो इंडिया गठबंधन है उनको कम वोट प्राप्त है, यानी 78 में 23 सीट लाना ही काफी बेहद ही कमी है। और अगर अन्य की आज हमने अगर बातचीत की है तो ये 6 सीट ही ला पाए हैं। हालांकि आज देखने वाली बात होगी क्योंकि आज जो चुनावी मैदान में है बड़े से बड़े दिग्गज नेता इस चुनावी मैदान में है जिन्होंने अपना चुनावी भूगोल फूंक दिया है। बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं आज दूसरे चरण के चुनाव में उतरे हैं और आज देखने वाली बात होगी कि जिस मुद्दों को लेकर के, जिन समस्याओं को लेकर के, जो उनके बड़े स्पेक्ट्रम रहे, बड़े मुद्दे रहे, क्या उन मुद्दों पर जनता उन्हें पसंद करती भी है या नहीं, जनता उन्हें वोट करती भी है या नहीं, आज ये देखने वाली बात होगी दूसरे चरण के मतदान में। बता दूं कि सुबह 7 बजे से ही लोकतंत्र के महापर्व में जनता अपना प्रत्याशी चुनने के लिए जा चुकी है, वो अपना प्रत्याशी ढूंढ रही है, वो अपना मौजूदा सांसद चुन रही है। तो कैसी लगी है तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, साथ ही आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।